नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी एम फोर्टी के स्मार्ट लॉक के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल का काइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप लोगों को स्मार्ट लॉक को यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करिए सेटिंग ओपन करिए सर्च बार पर सिंपली क्लिक कर देना आप लोग स्मार्ट स्मार्ट भी लिखेंगे तो शायद स्मार्ट लॉक आ जाए देखिए लॉक स्क्रीन में हमें स्मार्ट लॉक मिलेगा इस पर क्लिक करिए और ये आ चुका है इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे जो हमें पासवर्ड डालना है जो हमने लॉक स्क्रीन में डाला रहेगा वही वाला डाल लेना है यहाँ पर ठीक है ना उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस हमें नज़र आ जाता है लगभग तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि एकदम से रटे हुए हैं मेरे को दो फर्स्ट ऑप्शन है ऑन बॉडी डिटेक्शन का ये फ़ीचर क्या करता है कि जब तक आप लोग की बॉडी को टच है फ़ोन मोसंस करते रहता है आप लोग का फ़ोन हाथ में आप लोग का फ़ोन है तब तक आप लोग का फ़ोन अनलॉक नहीं होता है इसमें क्या रहता है कि आप लोग को बार बार फ़ोन अगर ऑन ऑफ कर भी रहे तो हर बार आप लोग को पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे आप लोग का फ़ोन आपसे दूर चल जाता है वैसे आप लोग का अनलॉक हो जाएगा तो आप लोग को सिक्योरिटी से रिलेटेड निश्चिंत रहना ठीक है ना उसके बाद ऑप्शन आता है सेकेंड वाला ट्रस्टेड प्लेस का यहाँ पे आप लोग लोकेशन वगैरह सेट कर सकते पर्टिकुलर लोकेशन सेट कर सकते आप लोग कि भाई इस लोकेशन पे गया तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाए ये सब चीज़ें भी आप लोग कर सकते बट इंटरनेट और लोकेशन आप लोग को एनी टाइम ऑन रखना पड़ेगा तो ये रिक्वायरमेंट रहता है इसका थर्ड ऑप्शन है ट्रस्टेड डिवाइस का यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए कार के ब्लूटूथ से या फिर ब्लूटूथ वॉचेस से ठीक है ना तो इस टाइप का जो फीचर है ये स्मार्ट लॉक में हमें देखने को मिलते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी जय माता दी